हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीषा। स्वागत है आपका गार्ड्यूब किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं ऐसी रेसिपी जिसे सभी मदर्स की अपने बच्चों को हेल्दी ब्रेकफास्ट खिलाने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसका नाम मैंने रखा है लौकी सूजी फ्राइज। इसके लिए हमें चाहिए होगा कुछ जरूरी सामान, जैसे कि सूजी 1 कप, एक उबला हुआ आलू, लौकी थोड़ा सा हमें चाहिए होगा, कटी हुई हरी मिर्ची। जितनी सूजी हमने लिया उतना ही हम पानी लेंगे, साथ में सौंफ, चिली फ्लेक्स, नमक, मिर्ची और हल्दी, और साथ में ये थोड़ा सा मैंने पुदीना लिया है ड्राइड। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। सबसे पहले एक पैन में हम लेंगे 1 कप पानी। जितनी हमने सूजी लिया उतना ही हमने पानी लिया है। इसको थोड़ा सा बॉईल होने देंगे। पानी में उबाला आ गया है। अब इसमें थोड़ी थोड़ी करके हम डालेंगे सूजी, एक साथ नहीं डालनी है, थोड़ी थोड़ी करके इसको चलाते रहेंगे। एक साथ डालेंगे तो लम्स आ जाएंगे इसमें, थोड़ी थोड़ी करिए और हिलाते जाइए। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये एक टाइट डो है, इसको 5 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। इसको ढक के रखेंगे 5 मिनट। 5 मिनट में ये सेट हो जाएगा। जब तक हम लौकी को अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे और जो आलू हमने लिया है उसको मैश कर लेंगे। डो हमारा सेट हो गया है और ठंडा भी हो गया है। इसको 5 से 10 मिनट लगते हैं थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आने में। अब इसको हम निकालेंगे मिक्सिंग बाउल में और इसमें मिलाएंगे सारे मसाले। आलू हमारा अच्छे से मैंने इसको मैश कर लिया है। लौकी कद्दूकस की हुई, कटी हुई हरी मिर्ची, चिली फ्लेक्स, सौंफ, पुदीना, नमक एज पर टेस्ट, टेस्ट के हिसाब से ये डालना है हमें, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्ची, ज्यादा नहीं डालनी है क्योंकि हमने हरी मिर्ची भी डाली है और चिली फ्लेक्स भी डाले हैं। अब इसको हाथ से मलकर एक अच्छा सा हम डो तैयार करेंगे। ये थोड़ा सा गर्म ही है, ज्यादा गर्म नहीं है, इसको हम अच्छे से बाइंड कर सकते हैं। देखिए हमारा एक अच्छा डो बनकर तैयार हो गया है। ये ज्यादा हार्ड नहीं होता है और ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होता है। अब इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। थोड़ा सा हाथों पे ऑयल ग्रीस करेंगे और इसको थोड़ा सा मस लेंगे। ये डो हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसके हम छोटे छोटे बॉल्स लेकर इसको फ्राइज का शेप देंगे। इस तरह से हाथ में लेना है, इस तरह से हम इसका शेप्स करेंगे। ये देखिए इस तरह का शेप हम बनाएंगे, छोटे बड़े आप कैसे भी बना सकते हैं। देखिए ये रेडी है। बस इसी तरह से बनाकर मैं अपने सारे तैयार कर लूंगी। जब ये सारे हो जाएंगे उसके बाद ही हम इसको डीप फ्राई करेंगे। ये सभी मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसको हम करेंगे डीप फ्राई। तेल मैंने गरम करना रख दिया है। चलिए चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तेल हमारा गरम हो गया है। अब इसको डालेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको सेकेंगे। जब ये थोड़े से ऊपर आ जाएंगे उसके बाद ही इसको हम हिलाएंगे, नहीं तो ये टूट सकते हैं। इसको तलने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि सूजी ऑलरेडी हमारी पकी हुई है। थोड़े से जब ये ऐसे ऊपर आने लगेंगे उसके बाद ही इसको हम चलाएंगे। ये देखिए ये हमने चलाए हैं अच्छे से और ये दोनों साइड से गोल्डन और क्रिस्पी हो गए हैं। बस इसी फॉर्म पे हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह से मैं दूसरा पेज भी तैयार कर रही हूँ और सारे हम तल के इसी तरह से तैयार कर लेंगे। ये सभी हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। इसमें बहुत ही सुंदर कलर आया है और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। देखिए आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल क्लिक करें। थैंक यू।